हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं हुंडई कोना इलेक्ट्रिक के बारे में। तो बेसिकली हुंडई की तरफ से इलेक्ट्रिक कार्स में ये ऑफरिंग है और इसके जो कॉम्पिटिटर्स है उसमें सबसे ज़्यादा रेंज इसकी है इंडिया में राइट नाउ। तो आप इसके एक्सटीरियर देख सकते हैं। सबसे पहले आप इसकी हेडलाइट देख लीजिए। तो ये इसकी हेडलाइट है मेन, ये प्रोजेक्टर यूनिट है, एलईडी यूनिट है ये, और ये पूरा हेडलैम्प का यूनिट है। और यहाँ पर इसके DRLs हैं और ये इंडिकेटर है, ये बल्ब यूनिट है। और तो ये रियल वेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और यहाँ इसका जो बम्पर है ये ब्लैक मैट ब्लैक में फिनिश्ड है और ये प्लास्टिक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है इसमें ग्रिल नहीं है। और ये इसका चार्जिंग पोर्ट है, इसको ओपन करके यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं कार को। यहाँ नंबर प्लेट लगती है और ये टोइंग हुक है और ये हुंडई का लोगो है जिसमें यहाँ पर सेंसर दिया हुआ है। काफ़ी बढ़िया इंटीग्रेटेड फ्रंट है क्योंकि काफ़ी मॉडर्न दिखता है। तो आप यहाँ पर साइड में जो है ये व्हील्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि ये ड्रैग के लिए ये व्हील्स बहुत ही बढ़िया है। मतलब ये लुक में आपको शायद कभी किसी को पसंद ना भी आए, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। टर्बुलेंस को हटाता है और ब्रेक्स को कूल रखने की कोशिश करता है। और नेक्सन के व्हील्स टायर्स आपको देखने मिल जाते हैं, 215 55 R 17 इंच के टायर्स हैं। और यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिया हुआ है आपको। बॉडी क्लैडिंग आप देख सकते हैं पूरी एक गाड़ी पे है, ब्लू ब्रांड इसका ड्राइव टेरेन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसके इंडिकेटर्स हैं जो कि काफ़ी अनकन्वेंशनल है। पैडल लैंप्स आपको इसमें नहीं देखने मिल जाते हैं। दो ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने मिल जाता है। और ये की होल है, यहाँ इलेक्ट्रिक की बैजिंग है। और ये टेल लैम्प है, पूरा एलईडी यूनिट। और यहाँ पर इंडिकेटर है और यहाँ पर रिवर्स लाइट और ये रिफ्लेक्टर है। और यहाँ भी पूरा ब्लैक फिनिश देख सकते हैं। यहाँ फिर से टोइंग हुक है, ये पार्किंग सेंसर्स है और ये हुंडई का लोगो, ये रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, ये स्टॉप लैम्प और एंट्री कवर्ड आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको रूफ लाइंस, रूफ रेल्स देखने मिल जाते हैं जो कि वर्किंग नहीं है। और यहाँ कोना की बैजिंग, हुंडई का लोगो। और यहाँ पर आपको रिवर्स कैमरा देखने मिल जाता है। अब हम इसका बूट ओपन कर लेते हैं। हाइड्रोलिक स्टड्स और ये 60-40 स्प्लिट में पीछे की सीट्स रिक्लाइन हो जाती है। ये चार्जर, इस तरह से आप इसकी बूट स्पेस भी बढ़ा सकते हैं। नीचे आपको स्पेयर व्हील दिया गया है जो कि ये फिलहाल एक्सेसिबल नहीं है, यहाँ पर टूल किट है पंचर के टाइम पे यूज होने वाली। तो कुछ इस तरह का है इसका बूट स्पेस जो कि डिसेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो अब इसको करते हैं बंद। अब हम आ जाते हैं रियर सीट पे। सो अभी आप देख सकते हैं मैं बैठ चुका हूँ रियर सीट पे। अंडर साइज अफोर्ड भी डिसेंट सा है और लेग रूम नी रूम अच्छा खासा है। और ये स्कूप डाउन सीट बैक्स है जिसमें आपको मैक्सिमम होल्डर्स देखने मिल जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हैंडल देखने मिल जाता है आपको और हेडरूम भी अच्छा खासा है। और यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको देखने मिल जाते हैं। और यहाँ डोर पर आप देख सकते हैं तो ये ग्रैब करने के लिए बहुत ही प्रीमियम फिनिश में दिया गया है। यहाँ पर लेदर है, ये सॉफ्ट टच है, ये हार्ड प्लास्टिक है। और यहाँ पर बहुत ही मस्त, ये मैं निकाल देता हूँ, मत निकाल, बहुत ही अच्छे फिनिश में यहाँ पर आपको ये डोर हैंडल देखने मिल जाता है। और ये लॉक अनलॉक का बटन है और यहाँ स्पीकर पॉकेट है, यहाँ पर आप बॉटल रख सकते हैं। इनसे पावर मोटर कंट्रोल्स है और विंडोज आर वाइड इनफ। तो यहाँ अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लाइट की प्लेसमेंट दी गई है। और ये सनरूफ यहीं तक है, पैनोरामिक सनरूफ नहीं है इसमें। और यहाँ पर ट्रांसमिशन टनल क्योंकि नहीं है तो ये काफ़ी हद तक फ्लैट है, तीन पैसेंजर्स आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। तीन पैसेंजर्स ना बैठे तो आप यहाँ से ये आर्मरेस्ट निकाल सकते हैं जिसमें ट्विन कप होल्डर्स हैं। फिलहाल अभी मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि ये कवर्ड है। सीट्स बहुत ही बढ़िया है, वेंटिलेटेड फॉर्म में सीट्स दिए गए हैं यहाँ पे। और सनरूफ यहाँ तक ही है और यहाँ पर हैंडल है अलोंग विद अ हुक जिसमें आप अपने सूट को भी टंगा सकते हैं। तो अब चलते हैं ड्राइवर सीट पे। अब हम आ गए हैं ड्राइवर सीट पे।
तो यहाँ पर आपको ट्विटर प्लेसमेंट दिया गया है, डोर पे देख लेते हैं, यहाँ पर आपको ट्विटर प्लेसमेंट दिया गया है, यहाँ पर स्पीकर प्लेसमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक अनलॉक के कंट्रोल्स है, पावर विंडो लॉक करने के कंट्रोल्स है, आउटसाइड रियर व्यू मिरर के कंट्रोल्स है, यहाँ पर ग्रैब करने के लिए जगह आपको हैंडल दिया गया है, यहाँ पर पूरा सॉफ्ट लेदर फिनिश है, यहाँ पर फिर से अगेन मस्त फिनिश में यहाँ पर आपको डोर हैंडल देखने मिल जाता है ट्विटर, और ये लार्ज इनफ आपको विंडो देखने मिल जाता है, और यहाँ पर CKD की बैजिंग देख सकते हैं, यानी कि ये कार सिर्फ असेंबल्ड इन इंडिया है, और यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के इल्यूमिनेशन के कंट्रोल्स हैं, हाई और लो कर सकते हैं आप यहाँ पर, और ये चार्जिंग का बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का बटन है, और ये VESS ये मुझे देखना पड़ेगा कि क्या है, और यहाँ पर AC के वेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पर भी AC के वेंट्स दिए गए हैं, और ये है इसका स्टेयरिंग व्हील जो कि बहुत ही बढ़िया फिनिश्ड है, बहुत ही अच्छी इसकी ग्रिप है, तो यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स देखने मिल जाते हैं, और इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो सबसे पहले कार को ऑन कर लेते हैं, तो अभी कार आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हैं, तो यहाँ पर इससे आप ये इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कार दिख रही है विथ डोर ओपन, क्योंकि ये डोर हमारा ओपन है, तो अब इसको कर लेते हैं क्लोज। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही बढ़िया लगता है, इनफैक्ट आपको यहाँ पर एम्बिएंट लाइटिंग के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, लाइट के कंट्रोल्स हैं यहाँ पर साउंड के भी कंट्रोल्स हैं, तो अभी हम देख लेते हैं, तो अभी सेंटर में आप रेंज देख सकते हैं 227 की रेंज दिखा रहा है, और साइड में आप चार्ज भी देख सकते हैं जो यहाँ पर दिया गया है, जब भी आप गाड़ी ऑन करेंगे तो चार्ज दिखा देगा, वहाँ पर सीट बेल्ट का अलार्म है, ब्रेक पार्किंग ब्रेक लगी हुई है, वहाँ पर उसका साइन दिया हुआ है, बैटरी का साइन दिया हुआ है, और बीच में आप एक डिजिटल कम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और ये है इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो कि बहुत ही स्मूथ है, फीडबैक बहुत ही बढ़िया है, इसका साउंड टेस्ट बाद में करते हैं, और अभी यहाँ पर ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर सनग्लास होल्डर भी आपको देखने मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, यहाँ से वॉइस कमांड का यहाँ पर माइक्रोफोन दिया गया है आपको, वॉइस कमांड का माइक्रोफोन दिया गया है, और यहाँ से खोल सकते हैं आप सनरूफ, तो अभी ये पूरा खुल चुका है, इतना खुलता है ये इतना सनरूफ खुल जाता है, और ये इसको आप मैन्युअली भी कर सकते हैं जब आप इसको बंद करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक मिरर देखने मिल जाता है विदाउट एनी लाइट, और मिरर देखने मिल जाता है विद अ लाइट, यस यहाँ पर लाइट है जिसको आप मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हैं, और इसको निकाल के आप साइड में भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको एक लाइट और एक मिरर देखने मिल जाता है, और अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर इसमें आपको कनेक्टेड कार फीचर भी देखने मिल जाता है, और यहाँ पर ये क्या कहते हैं AC के वेंट्स है, और यहाँ पर पार्किंग, यहाँ पर मतलब मोड्स है, भी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एक्टिवेटेड है, पार्किंग मोड में है, न्यूट्रल रिवर्स और ड्राइव, बटन दबाने पे आपका ड्राइव मोड सिलेक्ट हो जाएगा, और ये ड्राइविंग मोड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, और यहाँ पर ऑटो होल्ड और ड्राइव मोड सिलेक्टर, और सीट के वेंटिलेशन के कंट्रोल्स हैं यहाँ पर, और ये सीट्स यहाँ मतलब यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स है, हॉट और कोल्ड दोनों इसमें ऑप्शन मिल जाता है आपको, हीटेड सीट्स और वेंटिलेटेड सीट्स का, और यहाँ पर भी आप कुछ कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं, और आर्मरेस्ट के अंदर भी यहाँ पर आपको स्पेस देखने मिल जाती है, शोरूम में रखी हुई है गाड़ी बहुत टाइम से, क्योंकि गाड़ी इसीलिए इसमें प्लास्टिक बहुत ज़्यादा है, डिसेंट साइज का यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स देखने मिल जाता है, तो और स्टेयरिंग पे यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स देखने मिल जाते हैं, ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए है पैडल शिफ्टर्स, और यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल्स है, और यहाँ पर आपको हेडलैम्प के कंट्रोल्स देखने मिल जाते हैं, और ये है इसकी कीज, लॉक अनलॉक और बूट का बटन देखने मिल जाता है इसमें, तो
यहाँ ट्विन कप होल्डर्स भी आपको देखने मिल जाते हैं जिसमें की रखी हुई है अभी, और ये इसके ORVMs हैं, और ये स्टीयरिंग में आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही आपको चेंजेस ऑप्शंस मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो देख सकते हैं आप, ये इसका ब्रेक पेडल है और यहाँ पर एक्सीलेटर का पेडल है, और यहाँ पर आपको डेड पेडल की प्लेसमेंट देखने मिल जाती है। तो अब हम बूट खोल के देख लेते हैं, तो कुछ ऐसा दिखता है इसका इंजन बे, जो कि इंजन नहीं है इसमें। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एयर कंडीशनिंग की सारी चीज़ें हैं, मतलब कंप्रेसर वगैरह है। यहाँ पर इसकी स्टैंड बाय बैटरी है, और यहाँ पर वॉशर फ्लूइड है, और ये सारे इलेक्ट्रिकल्स हैं आप देख सकते हैं, और काफ़ी खाली खाली है क्योंकि इसमें इंजन नहीं है। इसकी जो बैटरी है वो नीचे है, फ्रंट व्हील ड्राइव है, यानी कि यहाँ पर फ्रंट दो व्हील्स में इसकी मोटर है, और बैटरी जो है फ्लोर के नीचे अवेलेबल है। यहाँ पर इंसुलेशन दी गई है जो कि जिसकी शायद ज़रूरत ना भी पड़े। 25 लाख का बजट है इसमें, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोलिक स्टड्स नहीं दिए गए हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है इसका इंजन बे, और यहाँ पर इसका चार्जिंग पॉइंट है। ये एसी के लिए है और ये डीसी के लिए है, और यहाँ पर आपको बैटरी का लेवल भी दिखा देता है। साथ में करना पड़ेगा, पहले इसको बंद करके फिर इसको बंद करना। ये परफोरेटेड सीट्स है जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसमें इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट्स आप देख सकते हैं फ्रंट और रियर के लिए, और ये रिक्लाइन एंगल के लिए, और इससे आप लंबार्ड सपोर्ट भी कंट्रोल कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। यहाँ पर लंबार्ड सपोर्ट भी आप देख सकते हैं। ये चीज़ रह गई थी यहाँ पर दिखाने के लिए, यहाँ पर नीचे भी आपको स्पेस दी गई है कुछ रखने के लिए। यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, और वहाँ पर एक USB चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको गाड़ी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इसकी टेस्ट राइड अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये वॉक अराउंड रिव्यू से ही हमें संतुष्ट रहना पड़ेगा।